हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू कैसे हैं आप टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको समझेंगे और फिर बाद में इसकी एक्सरसाइज करेंगे ठीक है तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट हुआ है ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब विल ऑल्सो भी प्लूरल ठीक है तो जैसे कि यहाँ पे भी देखिए रिमेंबर में गिवन है एज यू कैन सी द वर्ब चेंजेस वेन द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब चेंजेस जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है तो ऐसे ही वर्ब चेंज होता है दिस इज़ नोन एज एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब द बेसिक रूल टेक्स दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब वाइल अ सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल वर्ब जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ठीक है द ट्रिक इज़ इन नोइंग वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर ऑफ प्लूरल द नेक्स्ट ट्रिक इज रिकोगोगनाइज अ सिंगुलर ऑफ प्लूरल वर्ब तो चलिए ये जो ट्रिक है इसमें जो रूल दिया हुआ है उसमें क्या क्या समझाया हुआ है इसको समझते हैं बहुत अच्छे से टू सिंगुलर सब्जेक्ट जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो ठीक है कनेक्टेड बाय और और नोर रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब तो जब ये कनेक्ट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट ठीक है और से और या फिर नोर से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब होता है ये ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब क्योंकि अगर मैं बोलूँ यतिन और जतिन इज़ अराइविंग बाई ट्रेन टूडे क्योंकि यहाँ पे और लगा है ठीक है और अगर मैं कहती हूँ यतिन एंड जतिन आर आर आएगा यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे फिर आपका आर आएगा इज की प्लेस पे ठीक है यतिन और जतिन क्योंकि हम यहाँ पे और यूज़ कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा सिंगुलर होगा लेकिन अगर मैं यतिन एंड जतिन बोलती तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका आर आता क्लियर तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा चलिए इसका सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब एज इन द रूल गिवन अबम जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है नीदर और ईदर और अगर यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा ठीक है नीदर यतिन और नोर जतिन इज़ अराइविंग बाई ट्रेन टूडे आइदर जतिन यतिन और जतिन इज हेल्पिंग टूडे विद स्टेज डेकोरेशंस चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं वेन आई ये तो हमें पता ही है आई हमेशा जो है एम के साथ यूज़ होगा चाहे आपका नीदर और यूज़ हो रहा हो चाहे आइदर और यूज़ हो रहा हो ठीक है और जब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में है वेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड बाय और और नोर टू अ प्लूरल सब्जेक्ट ध्यान दीजिए जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे द वूमेन क्लियर कनेक्ट हो रहा हो किस से नोर से या फिर और से ठीक है नोर से या फिर और से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे कि यहाँ पे हर चिल्ड्रन आपका है यहाँ पे क्लियर तो किससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे विद अ प्लूरल वर्ब से प्लुरल वर्ब से कनेक्ट हो रहा है जैसे द वूमैन और हर चिल्ड्रन ठीक है गेट टू ईट मील अब यहाँ पे क्या है वूमैन आपका सिंगुलर है हर चिल्ड्रन उसके बच्चे जो हैं क्या है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है ठीक है तो एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है और जिसमें हमने नोर और और यूज़ किया है तो वहाँ पे आपका वर्ब जो है क्या होगा वो प्लूरल होगा ठीक है प्लूरल होगा वर्ब आपका चलिए नेक्स्ट है आपका वेन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट हो कनेक्ट हो रहे हो आइदर और ये नीदर नॉर पुट द प्लूरल सब्जेक्ट लास्ट एंड यूज अ प्लूरल वर्ब तो वहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा जैसे नीदर जातेन नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग, तो यहाँ पर नीदर नोर यूज हुआ है ठीक है जातेन सिंगुलर है हीज़ फ्रेंड्स प्लुरल है तो वहाँ पर आपका आर आएगा मतलब कि प्लुरल वर्ब होगा नेक्स्ट में है एज अ जनरल रूल रूल यूज़ अ प्लूरल वर्ब विद टू और मोर सब्जेक्ट्स वेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड जैसे दो जो हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं ठीक है प्लूरल वर्ब आते हैं तो वहाँ पे आप किसे कनेक्ट करोगे जो है जैसे देखिए एग्जाम्पल में कार एंड अ बाइक आर ठीक है दो की बात कर रहे हैं एंड यूज हुआ है तो आप आर यूज़ करेंगे क्लियर जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में समझाया था समटाइम्स द सब्जेक्ट इज़ सेपरेटेड फ्राम द वर्ब बाई वर्ड सच एज़ अलोंग विद एज वेल एज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अलग होते हैं वर्ब्स जहाँ पे हम अलॉन्ग विद एज वेल एज बीसाइड और नॉट यूज करते हैं तो इग्नोर दिज एक्सप्रेशन वैन डिटरमाइनिंग वेदर टू यूज़ अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए सिंगुलर प्लूरल वर्ब को क्या करना चाहिए इग्नोर करना चाहिए द टीचर एलोंग विद हर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से समझते हैं द टीचर एलोंग विद हर स्टूडेंट्स हैज़ टू कम टू द असेंबली हॉल मतलब द टीचर ठीक है अलॉन्ग विद हर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया यहाँ पर आपका टीचर जो है क्या हो गया सिंगुलर हो गया तो एक सिंगुलर है एक प्लूरल है लेकिन कनेक्ट किससे हो रहा है यहाँ पे अलॉन्ग विद से कनेक्ट हो रहा है क्या क्योंकि हमने यहाँ पर नीदर नॉर और ईदर और एंड और यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है अलॉन्ग विद तो हम इसको क्या करेंगे अवॉइड करेंगे ठीक है तो इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सिंगुलर होगा हैज़ होगा क्लियर द प्रिंसिपल एज वेल एज द चीफ गेस्ट इज गोइंग टू स्पीक ऑन द ओकेजन्स नेक्स्ट पॉइंट क्या, क्या कहता है हमारा द प्रोनाउन ईच एवरीबडी एवरी वन नो वन एनी बडी समन सम बडी ये क्या है आपके सारे सिंगुलर हैं क्यों सिंगुलर हैं क्योंकि देखिए मतलब एवरी वन इज़ अ वर्ड वेन इट मीन्स एवरीबडी मतलब हर एक ठीक है एवरी वन इज टू वर्ड वेन द मीनिंग इज ईच वन मतलब कि हर एक तो यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे आप सिंगुलर यूज करेंगे वर्ब अपना ठीक है डोंट बी मिस्ड मिसलेट बाई वट फॉलोज ऑफ दो सो डोंट बी मिसलेट ठीक है अब चलिए फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैं देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स सिंग्स विल तो ईच ऑफ गर्ल मतलब कि हर एक गर्ल्स की बात हो रही है ठीक तो है तो सिंग्स आएगा यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर वर्ब आपने यूज़ किया है यहाँ पे जैसे आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था ही, शी, इट के साथ uh, प्लस वी वन प्लस एस और ई एस लगता है ठीक है तो यहाँ पे आपका वही है ईच की बात हो रही है तो सिंग्स आएगा आपका वर्ब एवरी वन ऑफ द ऑफ द केक्स इज गॉन अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है आपका इज सो एवरी वन इज वर्ड्स विच इट मीनस एवरीबडी एवरी वन इज़ टू वर्ड्स वेन द मीनिंग इज ईच वन डिस्कस कर चुके हैं हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बताया है वेन आइदर एंड नाइदर आर सब्जेक्ट्स दे ऑलवेज़ टेक सिंगुलर वर्ब चाहे हम नाइदर और ये आइदर और की बात करें तो उसमें आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा क्लियर जैसे ईज है यहाँ पे भी ईज है चलिए ये इतना कर चुके हैं इसको आप दोबारा सुन लीजिए और रिवाइज़ कर लीजिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है ठीक है और आपको पता है द वर्ब की प्लेस कहाँ होती है आफ्टर दी सब्जेक्ट होती है क्लियर लेकिन अगर हम देयर लगा देते हैं तो देअर के बाद आपका क्या आ जाता है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है बस इतना ध्यान रखिए ठीक है ठीके? और कई बार क्या होता है आप सिंगुलर यूज़ करते हैं प्लूरल यूज़ करते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियल सब्जेक्ट इज प्लेसड आफ्टर द वर्ब हैंड्स वी हैव टू बी केयरफुल विद सच सेंटेंसेज तो हमें वहाँ पे ध्यान देने की बात है क्योंकि हम यहाँ पे एंड ऑल की बात कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है और मैनी कार्स की बात करें तो प्लूरल है इसलिए डियर के साथ आप इज भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और यहाँ पे प्लूरल आएगा अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट यहाँ पे कार्स यूज़ कर करें चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है और कौन सा सही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो फर्स्ट आपका जो है रॉन्ग है फर्स्ट का सेकंड राइट है सेकेंड का फर्स्ट करेक्ट है और सेकेंड रोंग है क्यों क्योंकि यहाँ पे जो है सिंगुलर यूज किया हुआ है वर्ब नहीं तो प्लूरल प्लूरल नहीं सिंगुलर ही आएगा ठीक है नाउ सी ऑल द आंसर्स बस आपको क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट आपको समझने हैं जो मैंने यूजेस बताए थे ठीक है सा सभी आंसर्स जो हैं आपके सामने हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम समझाने में लग द, लगा दिया है तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ आंसर्स ही यहाँ पे दिखा रही हूँ अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे जो मैंने ये वाला इसी वीडियो में मैंने जो समझाया है उसी पे बेस्ड है सभी ये ठीक है देखिए आइदर यू और यूर फ्रेंड ठीक है सिंगुलर है यहाँ पर फ्रेंड ये भी सिंगुलर है और यूज़ किया है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका कैसा होगा सिंगुलर होगा करेक्ट ठीक है तो ये सभी उसी पे बेस्ड हैं आप चाहे तो दोबारे यूज़ेस को पढ़ लीजिए नेक्स्ट में आपका ये गिवन है सिक्सटीन का सभी आंसर सेवनटीन और एटीन चलिए नेक्स्ट बी पे बताया गया है कि आपको करेक्ट वर्ब यूज़ करनी है ठीक है करेक्ट वर्ब यहाँ पे वॉज आएगा यहाँ पे सेकेंड में इज़ होगा टेन ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट आर नहीं होगा द टीम आर तो द टीम है आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे प्लूरल है तो आर भी आपका प्लूरल होगा उसके बाद द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर ऑफ द पैलेस ठीक है तो यहाँ पे आपका इज होगा फिफ्थ में है वो वोगा और सिक्स में हैज होगा देखिए नीदर नोर और हर सिस्टर्स एस यूज हुआ है यहाँ पे मतलब कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपका प्लूरल होगा ठीक है द जनरल अलोंग विद हीज रेगिमेंट रेजिमेंट हैज़ अराइव्ड सिक्स वीक्स इज लॉन्ग इज नॉट लॉन्ग इनफ एथ में आपका वॉज होगा नाइन्थ में हैज़ आएगा और टेंथ में नो no आएगा ठीक है इसमें भी आपको यही सेम फिलअप करने हैं तो फर्स्ट में सेकेंड में इज है थर्ड में आर है उसके बाद है फिफ्थ में इज सिक्स्थ में हैज सेवन्थ में इज़, एट्थ में आर और नाइन्थ में आपका आर और टेंथ में भी आर ठीक है सो होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर्स वेरी वेल अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा ध्यान से यूज जरूर कहाँ uh, कहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो प्लूरल वर्ब यूज़ होता है और कहाँ पर जो है सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो और सिंगुलर हो आइदर नीदर और एंड और जहाँ पर यूज़ हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद आंसर्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस बाय बाय टू ऑल डोंट फॉरगेट गेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बाय बाय टू ऑल